हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इशिताज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पालक पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर हमने एक बंच पालक ले रखा है, इसे अच्छे से धो लिया है, इसे बॉईल करेंगे। मैं प्रेशर कुकर में बॉईल कर रही हूँ। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये मैं यहाँ पर ये दो टमाटर इसमें ऐड करूँगी। इधर मैंने ये पांच हरी मिर्ची भी इसमें डाल दूंगी, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। एक छोटी सी दालचीनी की स्टिक ऐड करेंगे, दो छोटी इलायची, थोड़ी सी जावित्री, एक बड़ी इलायची, चार लौंग, थोड़े से काले मिर्च। इसी के साथ ही एक बाउल में इसमें वाटर ऐड करूंगी। और अब हम इसे हाई फ्लेम पे दो सीटी आने तक अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ये देखिए हमारा पालक टमाटर और सब अच्छे से उबल गया है। अब इसका पानी अलग कर लेंगे और बाकी चीज़ों को हमें साथ में पीस लेना है। अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बनाएंगे और पानी हमें फेंकना नहीं है, वो हम यूज़ करेंगे। इसकी ग्रेवी के लिए यहाँ मैंने थोड़े से लहसुन ले रखे हैं और ये मेरे प्याज छोटे साइज़ के ही हैं, तो यहाँ मैंने 6 प्याज ले रखे हैं। इन दोनों को अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। इधर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड किया है, तेल को गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें प्याज और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब इस एक चम्मच जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास जिंजर पाउडर नहीं है तो आप लहसुन प्याज के साथ ही अदरक भी पीस सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे अभी भूनने देंगे, मसाला अच्छे से पक जाए हमारा लीड लगाकर। ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से भून गया है, किनारे किनारे इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे जिससे पालक का हरा कलर और इंक्रीज हो। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, ये ध्यान में रखते हुए कि हरी मिर्च भी ऐड की है, दो चम्मच गरम मसाला, अब हम पालक का पेस्ट ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, वही जो हमने पालक वाला रखा था। अब हम इसे हाई फ्लेम पे लीड लगा के भुनेंगे। लीड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही छींटे मारते हैं और हाई फ्लेम पे हमें इसलिए रखना है, थोड़ा हमें इसे भुनना है और गाढ़ा भी करना है। ये अच्छे से भुन गया है और जितना गाढ़ा मेरे को चाहिए उतना गाढ़ा ये हो चुका है। अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूंगी। अभी हम इसमें 1/2 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। अब लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे लीड लगा के पकने देंगे। गैस ऑफ करने से पहले थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। ये देखिए पालक पनीर हमारा रेडी हो गया है और ये बहुत ही यमी लगता है, आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।